सभी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इजिप्ट के बारे में। कल तो हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सीखे थे, लेकिन आज उससे आगे हम लोग चलते हैं इजिप्ट। तो सबसे पहले हम लोग इडिट का मतलब होता है संपादक। यानी कुछ एडिटिंग करना, यानी उसमें कुछ सुधार करना, या इसको हम बोल सकते हैं सुधार करना। सुधार भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन प्रश्न होता है कि हाउ कैन बी स्टार्ट द इडिट हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे विथ स्टेप विथ स्टेप फर्स्ट टू स्टार्ट द एडिट फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट प्रेस द विंडोज प्लस आर ए डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्टेप सेकेंड टाइप द एडिट। स्टेप थ्री क्लिक ऑन ओके या इंटर। तो सबसे पहले हम लोग टू स्टार्ट द एडिट फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट है प्रेस द विंडोज प्लस आर। स्टेप सेकेंड टाइप द एडिट। स्टेप थर्ड क्लिक ऑन ओके। तब आपका एडिट का एक पेज खुलेगा। और इस चैप्टर में हम लोग एडिट, इससे पहले हम लोग कमांड में पढ़े कि सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट करते हैं और सिंटैक्स के माध्यम के द्वारा सिस्टम को ऑपरेट किए। लेकिन यहां पर अब जो है हम लोग एडिट ऑप्शन के माध्यम के द्वारा इसमें हम फाइंड एडिट व्यू हेल्प ये सारे ऑप्शन के माध्यम के द्वारा कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, यानी ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहां से हम लोगों का जितने भी मेनू बार है वो सारे मेनू यूज कर सकते हैं और इस मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन फाइंड फाइंड
सबसे पहले फाइल मेनू है, इसका शॉर्टकट की है Alt plus F। तो फाइल मेनू में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे न्यू, ओपन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, प्रिंट और एग्जिट। मिनी ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन जो है आपको मेन रूप से है। पहला न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, प्रिंट और एग्जिट। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेनू में, आपका मेनू का पहला ऑप्शन है आपका न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल CTRL प्लस N, CTRL प्लस N। न्यू ऑप्शन का प्रयोग, न्यू ऑप्शन, वी कैन यूज दिस ऑप्शन टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ओपन प्लस ओ, सेव, कंट्रोल प्लस एस, सेव एज, फिलहाल इसको आगे पढ़ेंगे, क्लोज, इसका भी फिलहाल आगे पढ़ेंगे, और प्रिंट, प्रिंट ऑप्शन नेक्स्ट नॉटपैड वर्डपैड में आएगा, और एग्जिट भी आगे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें है न्यू ऑप्शन। वी कैन यूज दिस ऑप्शन टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। स्टेप फर्स्ट, प्लेस CTRL प्लस N, ए डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्टेप सेकेंड, टाइप द न्यू डॉक्यूमेंट। तो जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा और उस पेज में अपना नया डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, हमारा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है सेव ऑप्शन।
we can use this option. We can use this option. Option save any new created file. Any new created file, यानी नया file जो बना हुआ है, उस file को save करने के लिए save option का प्रयोग करते हैं. Step first, face CTRL यानी control plus S, a dialog box will be appear on the screen. Step second, type the file name, or step third, click on save या enter. तो save करने के लिए सबसे पहले हम ये option का use करते हैं, save option का. जैसे control plus S button press करते हैं, एक dialog box will be appear on the screen. एक बॉक्स आ जाता है और उस बॉक्स में हम लोग अपना नाम टाइप कर देते हैं, और टाइप करने के बाद उस लास्ट स्टेप है सेव या इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो हमारा वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है. आगे हम लोग चलते हैं सेव एज ऑप्शन. जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने वीडियो को रोक कर करके समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आए तो आप ये उसे दोबारा पूछ सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. थर्ड ऑप्शन है आपका सेव एज ऑप्शन. सेव एज ऑप्शन ये हम लोग कहने का तात्पर्य है कि किसी के नाम से अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव है और वह डॉक्यूमेंट अपने नाम से अगर करना है, तो वैसी स्थिति में हम लोग सेव एज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेव एज ऑप्शन से जो है आपका नाम जो है वह चेंज होता है. ऐसा नहीं कि ऐसे हम लोग सेव से भी करते हैं तो सेव तो हो जाता है, लेकिन नाम उस ऑप्शन से जो है चेंज नहीं हो सकता है. सेव से भी सेव किया जा सकता है और सेव एज ऑप्शन से भी सेव किया जाता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है सेव एज ऑप्शन ओनली फॉर नाम को चेंज करने के लिए है. लेकिन बच्चे करते क्या है कि सर सेव एज से भी चेंज हो जाता है, सेव एज से भी सेव हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है. सेव एज ऑप्शन के द्वारा ही
आप अपने फाइल को जो जिस नाम से सेव है आप उस फाइल को चेंज कर सकते हैं सेव और सेव ऑप्शन के माध्यम के द्वारा आप अपने नए फाइल को सेव कर सकते हैं। तो सेव एज ऑप्शन बी कैन यू दिस ऑप्शन यूज दिस ऑप्शन वी कैन यूज दिस ऑप्शन टू सेव एनी एग्जिस्टिंग फाइल existing file with another file. Step first, click on file menu, click on file menu. Step second, click on save as option. Click on save as option. तब आपके डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा। वॉट क्लोज रहेगा, यहां पर सेव एज ऑप्शन रहेगा, फाइल नेम ओके, कैंसिल, स्टेप थ्री give the file name and click on okay या enter अगला क्वेश्चन है आपका अगला ऑप्शन है आपका ओपन ऑप्शन वी कैन यूज दिस ऑप्शन टू एनी एग्जिस्टिंग फाइल we can use this option to open any existing file and jo file save kiya hua hai us file ko open karne ke liye open option ka prayog karte hain स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल मेनू स्टेप सेकेंड क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ये डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन
का एक बॉक्स आ जाएगा, उस बॉक्स में जैसे ओपन करेंगे तो फाइल का आ जाएगा, इसमें बहुत सारे फाइल जो है आपको शो करेगा, इसमें राम मोहन है ना सुहन इस तरह का नाम आपका शो करेगा, और इसके नीचे जो है ओपन और कैंसिल रहेगा, तो इसमें से चूज एनी वन स्टेप थ्री चूज एनी वन फाइल नेम स्टेप फोर क्लिक ऑन ओपन या इंटर। तो जैसे फाइल को हम चूज करेंगे और जैसे ओपन ऑप्शन या इंटर प्रेस करेंगे आपका फाइल जो है जो सेव किया हुआ रहेगा क्लोज रहेगा वह फाइल जो है ओपन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है क्लोज ऑप्शन। आज जितना भी है सारा फाइल मेन्यू एडिट में जितने भी बताए फाइल मेन्यू पे ऑप्शन वह सारा ऑप्शन को हम आज बता दे रहे हैं है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो क्लोज ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन बी कैन use this option, we can use this option to close any open file, close any open file, yani जो file खुला हुआ है उस फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि जो फाइल नहीं खुला तो बंद ही है, तो उसे तो हम लोग क्या बोल सकते, जो खुला ओपन है उसे तो हम लोग खोल नहीं सकते हैं, इसलिए जो फाइल क्लोज है ठीक है, जो फाइल ओपन है उसी फाइल को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, जो क्लोज है उसे हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट प्रेस कंट्रोल प्लस ओ, सॉरी स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल मेनू, स्टेप सेकेंड क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो जैसे आपको ओपन रहेगा जैसे क्लोज पर क्लिक करेंगे आपका फाइल जो है वह बंद हो जाएगा, और इस मेनू में जो है कोई भी मेनू बार को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो मेनू बार को ओपन करने के लिए ऑल्ट